Assalamu alaikum learners, welcome to my channel. If you have not yet subscribed my channel, so kindly subscribe it. And in this video I am going to define the significant figures and the rules to find the significant figures. So let's start. So the definition is, in any measurement the accurately known digit and the first doubtful digit is called significant figure. इसका मतलब क्या है कि किसी भी मेजरमेंट में जो हमारे पास नॉन डिजिट्स होते हैं, मतलब एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें डाउट होता है कि ये हमारे पास ठीक है या नहीं मेजरमेंट, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. ये अब डिपेंड किस पे करता है, द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अगर तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर एक्यूरेट है तो वो ज़्यादा अच्छी वो सिग्निफिकेंट फिगर दे सकता है. जैसे कि आप अगर वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं तो वो आपको अप टू 2 decimal places आंसर दे सकता है, लेकिन अगर आप एक रूलर यूज़ करते हैं तो उसको वो आपको जस्ट 1 decimal place तक आंसर दे सकता है. तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स उस हिसाब से कम हो जाएंगी रूलर में, और जितनी ज़्यादा एक्यूरेट कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उतनी ज़्यादा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हो जाएंगी. द सेकेंड है जी द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, के जो ऑब्जर्वर है जो कि एक चीज़ मेजर कर रहा है उसने जो मेजर किया है वो ठीक किया है या नहीं, और कितना एक्यूरेटली मेजर ठीक किया. द थर्ड इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, कि कितनी आपने ऑब्जर्वेशन ली हैं. अक्सर जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो ये होता है कि आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, और कम से कम 3 या 4 ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसकी एवरेज ले लेते हैं ताकि कोई भी अगर उसमें एरर है मेजरमेंट में तो वो ख़त्म हो जाए. सो नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूलर से आप मेजर कर रहे हैं, तो रूलर से आपने एक बुक की लेंथ मेजर की है तो वो आपकी आई है 18.4 centimeter, और एक और स्टूडेंट मेजर की है उसने की है 18.45 centimeter, और एक और स्टूडेंट ले लेते हैं उसने मेजर की है 18.452 centimeter. अब आप देखें कि रूलर से कौन सी जो लेंथ है वो मेजर हो सकती है, ये मेजर हो सकती है, ये मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि आपके रूलर पे जस्ट 0.1 digit तक आंसर आ सकता है, 2 digit तक आंसर नहीं आ सकता. 2 digit नहीं आ सकता तो 3 भी नहीं आ सकता. इसका मतलब कि इसमें जस्ट 3 significant figures हैं, बाकी इसमें ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है. इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इस तरह क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करती है. और ये वाली जो क्वान्टिटी है इसको वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू जो है वो मेजर किया जा सकता है. अगर वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू मेजर कर रहे हैं तो फिर आपका ये आंसर 0.2 decimal places तक ठीक आ सकता है. तो इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर आएगा. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी मेजरमेंट. देर आर ओनली 4 rules टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो मैं यहाँ पर इसको राइट कर देती हूँ और फिर आप इसको समझा लो. द फर्स्ट रूल इज़ डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि मतलब कि 0 के अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे हम उनको सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं. ये डिपेंड करता है, फिर ये आपने लेकिन शर्तें याद रखनी है कि ये शर्तें पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आते हैं वो सारों को हम कंसिडर करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं 2, 3, 7, 4 ले लेती हूँ, तो इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि इसमें कोई ज़ीरो नहीं है. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जस्ट 4. और अगर मैं यहाँ पे ऑल्सो अगर हम 37 ले लें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, 2. द नेक्स्ट रूल इज़ 0 between significant figures और सिग्निफिकेंट. अगर 2 significant figures जैसे हम मैं 2 और 4 ले लेती हूँ, अगर इसके दरमियान में 2 zeros आ जाएँ, ये जितने मर्ज़ी ज़ीरोज़ आ जाएँ तो उनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, जैसे इसमें 4 significant figures होंगी. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 point, यहाँ पे 9 ले लेती हूँ और दरमियान में 0 0, अब 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, 9 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0 नहीं है. इन 2 significant figure के दरमियान में अगर 2 zeros आ जाएँ उनको भी हम सिग्निफिकेंट ही कंसिडर करेंगे, तो इसमें भी 4 significant figures होंगी. द थर्ड रूल इज़ 0s to the right of a decimal point आर सिग्निफिकेंट, कि अगर हम कोई ज़ीरोज पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे ज़ीरोज़ जो कि पॉइंट के बाद हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस होती है. इंपॉर्टेंस किस तरह से होती है, क्योंकि 23 आपका एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और ये 3 ऐसे डिजिट्स हैं जो आपको डाउटफुल हो सकते हैं, इसलिए इनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगी, 5. इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1.00 तो यहाँ पर 3 significant figures होंगी, 3.
तो याद रखना है कि जो राइट साइड पे ज़ीरोज़ होते हैं पॉइंट के बाद, राइट साइड पे जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे. द फोर्थ रूल इज़ ज़ीरोज़ यूज्ड फॉर द स्पेसिंग ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब कि जो आपके पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. लाइक 0.03, इसमें जो आपके यहाँ पे डेसिमल प्लेस को जस्ट आपने स्पेस दी हुई है डेसिमल पॉइंट को, इस वजह से इसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगी. सेकेंडली 0.027, अब यहाँ भी देखें कि जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ हैं वो कंसिडर नहीं होंगे, जस्ट ये आपका डिजिट कंसिडर होगा और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टू हो जाएंगी. एक और केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे 21.0.0 दिया जाता है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ज़ीरो के बाद, पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है उसको तो सिग्निफिकेंट ही कंसिडर किया जाता है, और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है और ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हैं तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो ज़ीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है. तो इस केस में आपने क्या करना है कि पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, उसके बाद आप इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो फाइंड कर सकते हैं. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने क्या करना पड़ता है, पहले आपको जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है. तो ये जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा 2.1 × 10⁻¹, ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा तो ये +2 आ जाएगा, इट मूव्स टूवर्ड बैक. तो अब यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 4, 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पे हम इन दिस केस इट विल बी 4. Now there are some examples to find significant figures in the following examples. अब आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करें और इनके सारों के सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखें, देखते हैं आपके कितने आंसर्स ठीक होते हैं. मैं इसके बाद आंसर्स लिख देती हूँ. यहाँ पे 3, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यहाँ पे क्योंकि ये पिछले वाले ज़ीरोज़ कंसिडर नहीं होंगे तो 1, 2 and 3, यहाँ 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशन में पहले से ही लिखा हुआ है तो हम ये जो पावर है कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी. इसमें 301.0 सेकेंड्स है ये. अब क्योंकि पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट कंसिडर होता है, इसलिए 1, 2, 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, 9 सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में जो दो ज़ीरोज़ होते हैं उनको भी सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है, तो इसमें भी 1, 2, 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. हेयर ऑल्सो यहाँ पे पॉइंट वाली के जो आपने पीछे है नंबर उसको आपने कंसिडर नहीं करना ज़ीरोज को, तो इसमें 1, 2 and 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी. इसमें भी 3 हैं और इसमें 1, 2, 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी. सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल एंड ऑल्सो वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट. सो थैंक यू सो मच.